समंदर का खूबसूरत सफेद फेन जहाँ तटों पे टकराता है, जहाँ सूर्य अपनी पांखें खोलता है और मंदिर के खंड नादों से वातावरण गूंज जाता है, जहाँ भगवान जगन्नाथ साक्षात विराज जाते हैं, ऐसा है ओडिशा। आज बात करेंगे ओडिशा की, ओडिशा का आर्ट पट्टचित्र। ये कला यहाँ पे लगभग 5वीं सदी से फल फूल रही है। ये कला वेस्ट बंगाल में भी जानी जाती है, वहाँ पे ये माँ काली के करीब रहती है, तो ओडिशा में राधा कृष्ण के करीब। पट्टचित्र वास्तव में संस्कृत से लिया हुआ नाम है, पट यानी कपड़ा और चित्र उस पे बनाई जाने वाली पेंटिंग्स। पट्टचित्र तीन प्रकार के होते हैं, जो कपड़े पे बनाए जाते हैं वो पट्टचित्र, भित्ति चित्र जिन्हें दीवारों पे उकेरा जाता है, और ताल पत्र या पोथी पत्र चित्र जो कहलाते हैं वो ताल पत्रों पे बनाया जाता है। वैसे ये कला का सबसे पुराना फॉर्म है जिसके ऊपर कला की जाती थी। इन चित्रों के इतिहास की अगर बात करें तो ये माना जाता है कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर के इन चित्रों को बनाया करते थे। घर की महिलाएं छोटे सफेद कपड़े के, कॉटन के जो क्लॉथ के स्ट्रिप्स होते थे, उनके ऊपर चौक और गम के मिक्सचर को लगा करके इनका बेस बनाती थी, और इनके ऊपर पहले लाल और पीले रंग की रेखाएँ उकेरी जाती हैं, हल्की रेखाएँ, और उनमें रंग भरे जाते हैं। नेचुरल कलर्स से भरी हुई ये रेखाएँ भगवान जगन्नाथ का आकार ले उपासना का केंद्र बन जाती है। अगली बार जब आप ओडिशा जाएं तो पुरी के तटों पे इस कला का आचमन जरूर करिएगा। तब तक फिर मुझसे मुलाकात करने शनिवार जरूर आइएगा। आर्ट इज प्रेजेंटेड बाय सेवा। टिल देन गुड बाय।